तो भाई फाइनली 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 आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार बहुत दिन से था। रिसेंटली में हमने लगभग 3-4 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, और तो उसमें हमने बताया था कि एक ट्रिप प्लान हो रहा है जो रांची और राजगीर, तो ज़्यादा चांसेस तो था रांची का था। तो आज फाइनली रांची निकल रहे हैं गाइस। चलिए और इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आसिफ राजा एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, और गाइस आपको बता दें कि बहुत दिन के बाद ऐसा ट्रिप कर रहे हैं जो कि बस से लगभग 8 से 9 घंटा का बीच होने वाला है। तो जैसा भी होगा एक्सपीरियंस बहुत दिन के बाद होने वाला है, तो चलते हैं। क्योंकि बीच में ना इधर जहाँ भी आना जाना हो रहा था ट्रेन से ही हो रहा था, तो बहुत दिन के बाद आज बाई बस जा रहे हैं। तो फिर चलिए और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो भाई रांची चलते हैं और उसके बाद वहाँ पे जितना भी हो सकता है हमसे उतने चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अभी पहले नहीं बताएंगे कि हम किस किस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसा भी होगा वहाँ पे जाने के बाद जो चीज़ मिलेगा और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। तो भाई फ़िलहाल यहाँ पर भी आप मौसम देख सकते हो, काफ़ी अच्छा हो गया है कुछ देर पहले से, और बारिश भी हुई है बूंदाबांदी। तो भाई ये रहा अपना ट्रैवलर बैग, और आप देख सकते हो कलर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और जैसा कि आपको बताया कि इसे आज ही परचेज किए हैं, और बाकी के अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे तो 3-4 टी शर्ट्स है, और एक फुल टी शर्ट है, एक फुल शर्ट है, बाकी का 3 पैंट है। तो भाई से बात किए थे तो वहाँ पर मौसम जो है ना अभी थोड़ा सा नरम है, ठंड टाइप से है, तो इसीलिए फुल टी शर्ट और शर्ट्स भी ले लिए हैं। और बाकी का गाइस आपको बता दें अगर बैग के बारे में, तो काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी मस्त है, और लगभग इसमें 12 से 15 केजी का ये दिया हुआ है इसमें लेंथ। तो और फंक्शन तो काफ़ी है इसमें। तो भाई आपको बता दें कि इसमें लैपटॉप वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो जैसा चाह रहे थे वैसा ही बैग है बिल्कुल भी, और काफ़ी अच्छा है। तो आज इसका पहला यूज होने वाला है, तो बाकी का है और जो भी एसेसरीज वगैरह होगा, मोबाइल चार्जर वगैरह, तो सारा कुछ रख लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सब। तो भाई आपको बताते हैं कि लगभग 8 घंटे का सफ़र है, और इतना लंबा सफ़र के लिए बस में बैठना है, जिस कारण हमने सोचा है कि हल्का कपड़ा पहन के जाएंगे, ट्राउज़र और टी शर्ट और बाकी का जितना भी पैंट वगैरह है सारा कुछ है, शूज भी अपने बैग में रख देंगे, वहाँ पर निकालेंगे और स्लीपर पर ही चलेंगे। तो जी फिलहाल अभी 7 बज रहे हैं और 8:30 बजे अपने को निकलना है बस स्टैंड के लिए, 9:45 बजे वहाँ पर पहुँचना है, और 9 बजे का बस का टाइमिंग है। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है लेट है या टाइम पे। तो जी लगभग सारा सामान पैक हो चुका है, बस कुछ चीज़ें बची हुई है जैसे पावर बैंक, चार्जर वगैरह, ये सारा कुछ बचा हुआ है, बाकी के लगभग लगभग सारा कुछ पैक हो चुका है। तो भाई यहाँ पे चार्जर पड़े हुए हैं, और ये रहा अपना पावर बैंक, उसके बाद फिर यहाँ पर ट्राइपॉड माइक अंदर रख चुके हैं, ज़रूरत के हिसाब से माइक को यूज़ करेंगे जैसा भी होगा, और यही सब है, बस इसी को समेटना है, उसके बाद फिर टाइम पे निकल जाना है। तो भाई फाइनली टाइम हो चुका है, 8:30 बज चुका है, और अब निकलते हैं बस स्टैंड के लिए, और बैग पूरा तैयार हो चुका है, तो चलते हैं और मिलते हैं रास्ते में। तो जी भाई फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, जमा मस्जिद के जस्ट आगे में है, और छोड़ने आए थे हमारे भैया बस, तो लगभग अपने टाइम पर ही आने वाला है। तो जी बस कुछ ही देर में अपना बस आने वाला है, और उससे पहले आप मिलिए इनसे, दानिश और अरहम आए हैं मिलने, तो सब्सक्राइबर हैं छोटे सब्सक्राइबर तो भाई लोग मिलने आए हैं और काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। तो पता चला आप रांची जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं नहीं पता है भाई, 4 दिन के लिए भी, 1 हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए भी, बट अभी पता नहीं है, जितना भी हो सकता है कवर करेंगे और रहेंगे। तो भाई लोग मिलने आए हैं तो चलते हैं। तो भाई बस आ चुका है और यहाँ पे ज़्यादा देर तक स्टॉपेज नहीं है, तो चलते हैं, बैठते हैं और मिलते हैं आप सबसे बस के अंदर। तो भाई लोग से हाथ मिलाते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्दी, बूम, चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। तो भाई फ़िलहाल अपने सीट पे बैठ चुके हैं, और ये देखो विंडो सीट मिला है, तो काफ़ी अच्छा है, एसी गाड़ी है, तो ठंडी ठंडी, और रांची का भी मौसम ठंडी ठंडी है, तो पहुँच जाएँगे और मिलते हैं आप सबसे, और बाहर का कुछ भी दिखाते हैं आपको। तो ये देखो जी औरंगाबाद से निकल रहे हैं, और विंडो सीट मिला है।
तो भाई आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बैग कुछ इस तरह से रखा हुआ है अपने पैर के पास। और आपको बता दें कि यहाँ पे एक शोकेस दिया हुआ है जिसमें आप बोतल वगैरह कुछ खाने वाने के लिए रख सकते हो। तो फिलहाल अपना बोतल जो है ना वो यहाँ पे है, अपने बैग में ही है। और बाकी का देख सकते हो, मतलब कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं, ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है। चले जाएंगे बैठ के। और बाकी का आप देख पा रहे हो यहाँ पे कर्टन दिया हुआ है। भाई काफ़ी देर के बाद, लगभग 3 घंटा चलने के बाद अभी एक ढाबा पे रुका है यहाँ पे अपना बस, और बगल में एक और बस भी रुका हुआ। तो गाइस आपको बता दें कि ऐसा एक्सपीरियंस लगभग काफ़ी दिन के बाद, लगभग 5 साल के बाद ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि बस से कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी इतना लंबा। क्योंकि इधर ज़्यादातर आप देखेंगे ना तो ट्रेन से ही इधर उधर आना जाना हो रहा था, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो भाई लगभग 3 घंटे चलने के बाद अपना गाड़ी अभी रुका हुआ है ढाबा के पास। तो लगभग 3 घंटा चलने के बाद अभी ढाबा के पास रुका है। तो काफ़ी देर तक अच्छा खासा, मतलब आप कह सकते हो डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो जी हम तो घर से ही खाना खा के आए थे और एक पैकेट बिस्किट लिए हुए हैं। तो अभी बस पे चलेंगे और खाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे और सीधा फिर मिलेंगे आप सबसे रांची में। तो चलिए। तो भाई अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे हैं, नाम तो पता नहीं है, और जस्ट बगल में हाईवे आप देख पा रहे होंगे। तो भाई अपना जो बस है वो रेड वाला है, एक और बस यहाँ पे रुका हुआ है। तो जी फाइनली भाई अभी पहुँच चुके हैं रांची बस स्टैंड, और आप टाइम देख पा रहे होगे, 4:19 हो रहे हैं। और अभी भाई को फ़ोन किए हैं, वो आ रहे हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। और फिलहाल अभी कुछ देर पहले बारिश हुई है जिस कारण आप देखेंगे तो ज़मीन पूरी भीगी हुई है। तो भाई आपको बता दें कि एक्सपीरियंस लगता है कि बहुत दिन के बाद बस सफ़र करने के बाद थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो भाई ये है खादगढ़ा बस स्टैंड रांची का, और आप देख पा रहे हो काफ़ी बड़ा स्टैंड है भाई। तो चलते हैं अभी उस वाले गेट तरफ। तो भाई फिलहाल आप देख पा रहे हो 4:37, लगभग 15-16 मिनट वेट कराने के बाद भाई साहब पहुंच चुके हैं, सो के उठे हैं तो ऐसे लग रहे हैं। बाकी अपने भाई बहुत स्मार्ट हैं। तो भाई फिलहाल अभी चलते हैं रूम पे और ब्लॉग का एंड वहीं पे करेंगे। तो चलिए, और बाकी का स्टैंड वगैरह तो आपको दिखाई दिए, तो चलते हैं रूम पे, पास में ही है, लगभग 10 मिनट लगेगा।